नागपुर मध्य रेलवे नागपुर की इस पार्किंग सुविधा में 24 घंटे में 35 रुपए देने पड़ते हैं। जब 24 घंटे से एक घंटा भी ज़्यादा हो जाए तो और 35 रुपए देने पड़ते हैं। अरे मैं और काफ़ी लोगों की इससे शिकायत भी है, तो मध्य रेलवे नागपुर को इसकी शिकायत एक बार फिर हमारे चैनल के माध्यम से की जाएंगी। कितना पैसा दिया सर आपने भी? 140 रुपए मांग रहे हैं। 15 मिनट लेट हुआ है, आधा घंटा। आपने कितने दिन गाड़ी रखा दिया? 3 दिन गाड़ी रखा है। तीन दिन हो गए। 105 रुपए। 35 के हिसाब से 3 दिन का कितना होता है? 105 रुपए। 105 अभी कितना लिए इन्होंने? 140 ले रहे हैं। 140 सिर्फ 15 मिनट लेट। 10 रुपए ज्यादा है, 5-10 रुपए ज्यादा लेना चाहिए। 10 कितना मिनट लेट हुआ? आधा घंटा लेट हो तो 35 रुपए ज्यादा दे। पूरा दिन का ले रहे के ऊपर है गाड़ी 2 घंटे से भी ऊपर है। इनलीगल है और नहीं ले ले रहे आप। कोई लीगल चीज नहीं है। दे रहे आपको लीगल नहीं दे रहे। सवाल आपसे नहीं है, वो रूल के हिसाब से ले रहे हैं। आपसे कोई सवाल नहीं है। आप अपना जो भी है, फोटो लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। बिल्कुल आप देखिए भाई, आप अपनी बात रखने का आपको अधिकार है, हमारे को शिकायत करने का अधिकार है। ठीक है, करिए ना शिकायत। बिल्कुल वो हम अपना शिकायत कर ले वैसे शिकायत। हाँ बिल्कुल, शिकायत उसको शिकायत आपकी शिकायत नहीं है वो। शिकायत हमारी क्या है कि 8 घंटे के 10 रुपए लिए जा सकते हैं ना, 4 घंटे के नाम पर 35 रुपए वसूलना ये ठीक नहीं है। पीछे की पार्किंग में घूम के तो आ जाओ, फिर आपको शिकायत मिलेगी। यहाँ है वहाँ आप नहीं बोल रहे। नहीं बिल्कुल, बताइए ना कहाँ पे ऐसा है। करेंगे ना, 60 रुपए लेता है बिल्कुल। अभी आपने शिकायत की तो बिल्कुल करेंगे। आपको कोई शिकायत नहीं है तो शिकायत आएंगी तभी होता है ना। इधर करिए जो भी करना हो। ठीक है ना, तभी 5-10 रुपए ज्यादा लेना चाहिए। पूरा दिन का नहीं लेना चाहिए, 35 देना पड़ जा रहा है ना। पूरा दिन का ले रहे हो तो गलत है। गलत तो है, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है वहाँ पे। अब वो तो पहले दिन के बारे में लिखा है कि 4, 8 और 10, लेकिन पूरे 35 रुपए ही ले लेना 24 घंटे का। नहीं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। देखिए सर, अगर से मान लीजिए कोई ट्रेन लेट हो जाए बाय चांस, एक आधी घंटा लेट होती है आजकल, देखिए। बिल्कुल अब हमने रखा था 24 घंटे पहले गाड़ी, अब 1 घंटा लेट होने की वजह से हमने गाड़ी अब निकाला यहाँ से, तो 35 की बजाय हमें 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्यों है? 24 घंटे के बाद में 35 पूरा 48 घंटे तक लगता है, ये नियम है। मतलब पहले 24 घंटे के तुमने 35 दिया, हाँ, अब 1 घंटा लेट रेलवे की वजह से हुआ, हाँ, लेकिन फिर भी 35 ही देना पड़ेगा। यस सर, क्योंकि टाइम ऑफ हो गया आपका। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 8 घंटे वाला जो रूल है उसको इधर लाया जाए? 8 घंटे वाला रूल पहले दिन के लिए है। नहीं तो उसको इधर भी लाया जा सकता ना। अब हम कैसे लाएंगे? 8 घंटे के अंदर अगर से आप आ जाते हो तो 10 रुपए ही लिए जाएंगे। तो पहले दिन अगर 8 घंटे के अंदर आते तो वही है, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स डायरेक्ट 35 रुपीज 48 आवर्स तक है। जैसा 24 घंटा भी दिया, हाँ, अब अगला दिन आया बंदा 1 घंटा लेट हो गया, बिल्कुल ये भी वहाँ आ सकता ना कि भाई 8 घंटे के ही आपको लिए जाएंगे, क्योंकि आप 8 घंटे के अंदर आए। नहीं, कैसे कर देंगे? 24 घंटे के ऊपर 35 है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या यही योजना अगले दिन के लिए नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, क्योंकि जैसा अपना रूल में दिया है हम वैसा ही ले रहे हैं। एक मिनट, जैसा रूल में दिया हुआ है वैसा ही ले रहे हैं। रूल में चेंजेस किए जा सकते हैं तो हम क्यों करेंगे चेंज? ये रेलवे का है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह रेलवे से सवाल होना। बिल्कुल, नागपुर मध्य रेलवे की तरफ से। जी बिल्कुल। अगर से ये रूल मध्य रेलवे नागपुर की तरफ से बनाया गया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे बदला जाए। पहले दिन अगर से कोई अपनी गाड़ी 8 घंटे के अंदर पार्किंग से ले लेता है, पार्किंग से आके, तो 10 रुपये देने पड़ते हैं। क्या यही रूल अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं चल सकता? क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर से मैं गाड़ी लेता हूँ, 24 घंटे कंप्लीट होने पर गाड़ी लेता हूँ तो 35 देने हैं, लेकिन बाय चांस 1 घंटा भी लेट हो जाऊँ तो 35 रुपये और देने पड़ जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत रूल है, इसे बदला जाना चाहिए।